हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को वो क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करके उनमें आप लोग परफेक्ट बन जाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोज टाइमली मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। क्या समझे? एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। उस ट्रायंगल का और उस पैरेललोग्राम का, दोनों का एरिया बच्चों सेम है, ठीक है। If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, अब अगर triangle की sides हैं 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, और आगे उसने कहा है and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, ये point काफी matter करता है कि जो आपका parallelogram है वो triangle के उस base पे stand है जिसकी length 28 centimeter है। find the height of the parallelogram, आपको उस parallelogram की height पता करनी है, इसके अलावा कोई भी काम करना नहीं है। मतलब है आप इसका डायग्राम बच्चों कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हुए चलिएगा। अगर हम इसको कह दें ये एक ट्रायंगल एबीसी है, इसकी साइड्स हैं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने कहा था एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों, आपको ट्रायंगल तो दिख गया मगर पैरेललोग्राम नहीं दिखा। पैरेललोग्राम बनाना कहाँ है? तो क्वेश्चन ने देखिए आपको क्लियरली बताया है कि द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम जो है 28 सेंटीमीटर बेस पर स्टैंड है। मतलब है आप यहां पर एक पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हैं। तो एबीसी हो गया था, ये पॉइंट हो गया डी और ई। तो ये हो गया बच्चों आपके सामने ट्रायंगल और ये हो गया पैरेललोग्राम। बच्चों, क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बच्चों, उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की हाइट पता करनी है। तो हाइट के लिए बच्चों यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और यहां पर पॉइंट मान लीजिए हमने एम दे दिया, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी? डी एम। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन ने एक क्लू दिया है आपको, वो क्या दिया है? अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। क्वेश्चन ने यह बात बता दी है कि दोनों का एरिया सेम है। मतलब सीधा सा है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान है कि आपको ट्रायंगल के एरिया को पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रखना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, वो भी हेरॉन्स फॉर्मूला से। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। तो यहां पर बच्चों लिखेंगे फॉर ट्रायंगल एबीसी। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम आपसे कहें ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है बच्चों यहां पर 26 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कहें तो ये है 28 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। अगर आप एस निकालें तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की जगह 26, देन 28, देन 30 अपॉन 2। यूनिट लास्ट में लगा लेंगे 6, 8, 14 कैरी ऑन 1, 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8 84 अपॉन 2। ये मतलब हो जाएगा बच्चों 2, 4, 8, 2, 2, 4, ये आ गया बच्चों 42 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर सिंपल सी बात है, हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो जल्दी से हम लोग राइट करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूले को। तो बच्चों यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है भाई। तो यहां देखिए s की वैल्यू बच्चों रखेंगे तो आ जाएगा 42, ब्रैकेट में s माइनस ए,
एस की जगह 42 और ए की जगह बच्चों रख देंगे हम लोग 26। सेकंड ब्रैकेट में एस की जगह बच्चों आएगा 42 माइनस बी, बी की जगह आ जाएगा 28 और फिर यहां पर एस माइनस सी, सी की जगह आ जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। ओके चले वर्किंग को आगे बढ़ाते हुए यहां पर लिखते हैं 42 सब्ट्रैक्ट करा देंगे बच्चों तो आ जाएगा 16, यहां देखिएगा सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों तो आ जाएगा 14, यहां सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आ जाएगा 12। जल्दी से इसके फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन फैक्टर वैसे ही करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ देखिए बच्चों 42 के फैक्टर करेंगे तो होता है 40 या 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 7 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 16 को ब्रेक मत करिएगा क्योंकि कि इसका सीधा सीधा स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा आपके पास, है ना। 14 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 7 2 जा 14, 12 को आप लिख सकते हैं 3 4 जा 12, तो 3 × 4 की जगह 2 × 2, ये आ जाएंगे बच्चों इसके फैक्टर। आप ये गलती कतई ना करिएगा, कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ पर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे फिर उनका अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे। बच्चों इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा बस ऐसे ब्रेक कर देना 42 को 16 को, जरूरत अगर है डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तोड़ने की जरूरत भी नहीं है उसको, या 14 को 7 2 जा 14, फिर 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब बच्चों जरा देखिएगा इसमें, यहां पर ये 7 है और ये 7 है तो आ जाएगा बच्चों यहां पर 7, इसके साथ में ये वाला 3 ये वाला 3 तो आ गया यहां पर 3, फिर बच्चों ये 2 और ये 2 आ जाएगा यहां पर सिंपली 2, इसके साथ में ये बच्चों 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया है 4। यहां बच्चों अब देखिएगा इन दोनों के पेयर में से हमें बाहर मिलेगा 2, आ कितना जाएगा अगर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो बच्चों 7 3 जा 21 × 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, बच्चों अगर हमें केवल इस ट्रायंगल के एरिया निकालना होता तो हम लोग डेफिनेटली मल्टीप्लाई कराते, लेकिन हमें इसकी हाइट निकालनी है वहां पर हमें मल्टीप्लाई करके दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसीलिए हमने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों यहां पर देखिएगा क्वेश्चन ने कहा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों का एरिया सेम है, अब बच्चों अगर दोनों का एरिया सेम है तो हम लोग सिंपली राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चों यहां देखते हैं जरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको अगर देखें तो फॉर्मूला होता है इसका बेस इनटू हाइट, क्या होता है बेस इनटू हाइट, और ट्रायंगल के एरिया हम लोगों ने निकाला है 21 × 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू बच्चों अगर देखें तो बेस दे रखा था 28, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन ने कहा था कि ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, कि जो पैरेललोग्राम है 28 सेंटीमीटर वाले बेस पर बना हुआ है। आप कई जगह बच्चों ऐसा भी डायग्राम देख सकते हैं जहां पैरेललोग्राम आपके टीचर ने बगल में बनवा दिया होगा, वो भी सही है, बस ध्यान रखिएगा वहां पर ये जो साइड होगी वो 30 ना लिख के हमें 28 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप जिधर भी 28 सेंटीमीटर साइड बना दोगे, अगर नीचे है तो नीचे बन जाएगा, आपने अगर इसको 28 सेंटीमीटर ले लिया तो यहां पर बन जाएगा, अगर इसको आपने 28 सेंटीमीटर ले लिया तो यहां पर ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 28 और हाइट हम लोगों ने मान रखी है इसकी डीएम इक्वल्स ये 21 × 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर, डीएम की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 21 × 16 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन में देखिए ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों इसको कैंसिल करते हैं, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, तो हो गया बच्चों 4 3 जा 12 सेंटीमीटर इसका आंसर, तो इसकी जो हाइट है वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं और फाइनली आप लिख दीजिएगा सो द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए और अच्छी खासी मेहनत करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्वेश्चंस आप लोगों को इजी जरूर लगने लगेंगे,
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के स्टडी करिएगा। जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।